आज हम लोग वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं और वेक्टर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसका ही एप्लीकेशन से हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को करने वाले हैं। सो वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक ही यूनिट है। पहले वेक्टर के बेसिक को सीखेंगे, फिर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट बात लगती है उसका नोट्स आप जरूर बनाइए। आप अपने सामने एक नोटबुक रखिए, जो बात समझ में आती जा रही है उसका फटाफट नोट्स बनाते जाइए, जो नहीं समझ में आ रही है वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए और फिर उसका नोट्स बनाइए। और जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स है वो सभी हम इस पूरे वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले यदि वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक सबसे पहले हम वेक्टर एंड स्केलर के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड फिर फाइनल लास्ट टॉपिक हमारा होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक बहुत सिंपल सा टर्म है कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। तो जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन का कुछ नहीं पता, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें ये दोनों चीजें होती है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं वी आर गोइंग 40 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, वी आर गोइंग 40 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। तो 40 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड को बता रहा है एंड टुवार्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट मैं कहता हूं कि मैं एक कार से जा रहा हूं और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो क्या इसमें डायरेक्शन है? नहीं है। तो ये स्पीड हो गया, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम मैं कहता हूं 50 मिनट या 1 आवर या 3 आवर, इस पे कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो टाइम पीरियड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको यूनिट को देख के पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एनसीईआरटी का भी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो या तो आप यूनिट को देख के पता लगा लोगे या क्वांटिटी को देख के पता लगा लोगे। यदि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, देखो मेरे पास पास एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर। पढ़िए, 10 किलोग्राम कैसा क्वांटिटी है, 10 किलोग्राम कैसा क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स ये एक स्केलर क्वांटिटी है। किलोग्राम डायरेक्शन का नहीं पता, ओके। 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर ये कैसा क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स ये स्केलर क्वांटिटी है। 50 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स नॉर्थ ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन आपको पता है फोर्स, फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, आप जहां कहीं भी फोर्स लगा रहे हो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का है, एंड फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड कूलम एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर और स्केलर में हमें आइडेंटिफाई करना था, और इससे से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर और स्केलर। बहुत सिंपल है, पढ़िए पता चल रहा है। टाइम पीरियड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को यदि देखा जाए तो एक डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होता है, डिस्टेंस में नहीं होता है, डिस्टेंस में नहीं होता। आप स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रहे हो, आपको नहीं पता डायरेक्शन क्या होगा, आप ऐसे 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 करके पहुंच जाओगे बी तक। बट यदि मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में एक डायरेक्शन डिफाइंड है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। यदि मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप वेलोसिटी का बता सकते हो, वर्क का बता सकते हो, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो बात होगी कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है इसमें हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताना है कि इसको कैसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। पढ़िए क्वेश्चन को,
रिप्रेजेंट ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन है अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 सेंटीमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। जब भी किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात होती है तो हमने ज्योग्राफी में ये बात पढ़ी है कि हम यदि डायरेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ को नॉर्थ लेते हैं और नीचे की तरफ को साउथ लेते हैं, राइट हैंड साइड को ईस्ट लेते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड को वेस्ट लेते हैं। मान लो आपका इनिशियल पॉइंट पॉइंट ओ है। इनिशियल पॉइंट क्या है? पॉइंट ओ। और कहा क्या जा रहा है कि आप 40 सेंटीमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ जाओगे। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री के एंगल पे। ओके, साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ जाओगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसा एक डायरेक्शन बनाता हूँ, ये इसका फाइनल पॉइंट ए लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ साउथ से वेस्ट की तरफ, वेस्ट ऑफ साउथ, और कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री है और जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर है। सो ओ से ए के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो 40 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन क्या है? वेस्ट ऑफ साउथ, कितना? 30 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर ओए वेक्टर, ओए वेक्टर, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओए वेक्टर रिप्रेजेंट्स 40 सेंटीमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है जी, और इसी का सेकंड पार्ट में है जिसमें कि हमें डिग्री पता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो यहां पे क्या है? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 किलो। यदि डिग्री नहीं पता होता तो हम 45 डिग्री लेते। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता कि 60 किलोमीटर 40 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो 45 डिग्री, बट यदि डिग्री दिया हुआ है तो एग्जैक्ट डिग्री लोगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, यहां पर भी यदि मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ओके, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री का एंगल लेते हैं और 60 किलोमीटर लेते हैं और ये पॉइंट ओ से ए तक हो जाता है। ठीक है, यहां भी मैं लिख सकता हूं ओए रिप्रेजेंट्स 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। तो वेक्टर का एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है और वेक्टर एंड स्केलर में डिफरेंस क्या है। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास है, दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर। किसी दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो किस तरह से ऐड करते हैं, और ऐड करने के लिए बेसिकली जो लॉ यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ। कैसे? देखो, ट्रायंगल लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन के जितने भी रूल आगे बनेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे ये सब का बेसिक आइडिया ट्रायंगल रूल ही होगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। ट्रायंगल लॉ की यदि बात करें तो मैं कहता हूं मेरे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए बी वेक्टर। राइट, मेरे पास एक वेक्टर ए बी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है। मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट बी है और फाइनल पॉइंट कुछ और है, दैट इज सी, और मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो यदि हम कहते हैं कि लेट्स ऐड ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन तभी पॉसिबल है। सुनिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है, मेरी एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेंट्रेट करोगे पूरा चैप्टर ठीक से समझ में आ जाएगा। जितने भी प्रॉब्लम्स इसमें पॉसिबल हैं हर टाइप का प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट करिए मेरी बातों को और पूरे वीडियो को देखिए, तब ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टू वेक्टर का एडिशन का नेसेसरी कंडीशन क्या है, हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर। तो दो वेक्टर तभी ऐड हो सकता है जब फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट नेक्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के इक्वल होगा। आप देख रहे हो कि पॉइंट बी इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड पॉइंट बी इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर, तभी इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट विल बी ए सी वेक्टर। इसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से आप बेटर समझ सकते हो। और इसको यदि मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज द रिजल्टेंट ए सी। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखो, ए बी एंड बी सी का ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर में जा रहा है,
जबकि एसी का ऑर्डर क्या है? अपोजिट. सो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज कॉल्ड ए सी वेक्टर. दिस लॉ इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और यदि मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो किसी एक वेक्टर को शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, सब्ट्रैक्शन हो जाए. इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक इस तरह का वेक्टर है और इसमें ए बी सी है, इसका डायरेक्शन इस तरह से है ए बी, और इसका इस तरह से और इसका इस तरह से. अब इसमें कौन सा दो वेक्टर का ऑर्डर सेम है, उसी दोनों को ऐड करना पॉसिबल है. तो आप यहां पे देख सकते हो इस डायग्राम में कि ए सी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर को ऐड किया जा सकता है और इसका रिजल्टेंट ए बी वेक्टर होगा. और यदि मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, आसान है, मैं कह सकता हूं कि सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर. इस तरह से वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा. तो वेक्टर एडिशन इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन शिफ्ट करके मिलेगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन. ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप थोड़े प्रॉब्लम्स इसके ऊपर करोगे. देखो, ट्राइंगल लॉ से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ. उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं. सुनो, जिस तरह से मैंने आपको ट्राइंगल लॉ बताया, ट्राइंगल लॉ के हेल्प से ही आप पैरेललोग्राम लॉ के बारे में भी जान सकते हो. यदि मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मैं कहता हूं कि किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है. किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों को इनिशियल है, उन दोनों का इनिशियल पॉइंट एक साथ है, ओ, राइट, दोनों को इनिशियल है. सो व्हाट विल बी द डायगनल, व्हाट विल बी द बोथ द डायगनल. तो देखो, पैरेललोग्राम लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इक्वल वेक्टर क्या होता है. हाउ कैन वी से दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल, हाउ कैन वी से दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल. ऐसा दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन के किसी भी दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं. इसका मतलब इस डायग्राम में ये भी हमारे पास बी वेक्टर है और ये भी हमारे पास ए वेक्टर है. देख लो, डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया. अब यदि मैं डायगनल्स फाइंड करने की कोशिश करूं तो अगेन वी शुड अप्लाई द ट्राइंगल लॉ. देखिएगा, मैं इसका नाम लिखता हूं ओ ए, इसका नाम बी लिखता हूं, इसका नाम सी लिखता हूं. यदि मुझे एक डायगनल ओ सी वेक्टर पता करना है, सो हाउ कैन वी अप्लाई द ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ओ ए सी. देखिए, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी में आप देख सकते हो कि ओ ए वेक्टर एंड ए सी वेक्टर का डायरेक्शन सेम, ऑर्डर सेम है, जिसमें ओए वेक्टर का फाइनल पॉइंट और एसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कॉइंसाइड हो जाता है. सो ओए वेक्टर प्लस एसी वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन एज ओसी वेक्टर. सो वी कैन फाइंड द डायगनल. ओके, सो वी कैन से द ओए वेक्टर इज ए वेक्टर एंड प्लस एसी वेक्टर, एसी वेक्टर इज कॉल्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू ओसी वेक्टर. तो एक जो डायगनल आपका मिला वो मिला सम ऑफ टू वेक्टर्स, मिला कि नहीं? देखो, डायगनल ओसी द डायगनल दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड, दिस इज अ लॉ. बट नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड डायगनल. यदि मैं पैरेललोग्राम के सेकेंड डायगनल की बात करूं, मैं एक काम करता हूं, उसमें बी ए वेक्टर लेता हूं. तो अब आप ट्राइंगल ओ ए बी को देखिए. ट्राइंगल ओ ए बी में मैं कह सकता हूं ओ बी वेक्टर एंड प्लस बी ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर. इज इट करेक्ट? सी द डायग्राम, सी द डायग्राम. ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर इक्वल टू ओ ए वैक्टर. इज इट करेक्ट? यस, ट्राइंगल लॉ से. तो यदि मैं ओ बी वैक्टर को देखता हूँ डायग्राम में, तो इसको हम बी वैक्टर कहते हैं एंड बी ए वैक्टर हमारा एक डायगनल है और ओ ए वैक्टर को हम लोग ए वैक्टर कहते हैं. तो फाइनली द सेकेंड डायगनल बी ए वैक्टर कैन बी रिटन एज ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर. दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि यदि किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, यदि किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, सो लार्जेस्ट द लार्जर डायगनल इज कॉल्ड द सम ऑफ टू वेक्टर एंड द स्मॉलर डायगनल इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ बोथ द वेक्टर. द लार्जर डायगनल इज कॉल्ड सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड एंड स्मॉलर डायगनल इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ टू एडजेसेंट साइड. दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, द थर्ड वन इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ. अब ये पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ कहता है कि यदि आप किसी भी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन में सेम ऑर्डर में जाते हो, जहां से चले हो वहीं तक पहुंचते हो, तो इन सभी वेक्टर का सम हमेशा जीरो वेक्टर होता है. कैसे? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूं. पॉलीगन,
यदि मैं पॉलीगन के बारे में बात करूं, सबसे पहले हम ट्राइंगल को ही ले लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ए बी सी है, तो यदि मैं ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर फाइंड करूं, दिस इज इन द सेम ऑर्डर, जहां से चले वहीं पहुंच गए। यदि मुझे फाइंड करना है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, वट इट विल बी फाइंड करते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी पहले करो, तो बी का ए बी का फाइनल पॉइंट और बी सी का इनिशियल पॉइंट सेम है। यदि इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, इट इज कॉल्ड ए सी वैक्टर। इन दोनों को मैंने एक साथ ऐड कर दिया पहले, एंड प्लस सी ए वैक्टर। यदि किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया जाए, इसी को हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव होता है। इसका मतलब सी ए वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटेन एज माइनस ए सी वेक्टर। सी ए वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज सी ए वेक्टर? इट इज माइनस ए सी वेक्टर। ओके, सो ए सी वेक्टर प्लस माइनस ए सी वेक्टर, व्हाट इट विल बी? What do you mean by AC vector minus AC vector? AC vector minus AC vector क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये जीरो होगा। गलत है, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि किसी भी दो वेक्टर का सम या किसी भी दो वेक्टर का डिफरेंस ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस कैनॉट बी द स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैनॉट टेक जीरो। यस, वी कैन टेक जीरो वेक्टर। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या हो गया? जीरो वेक्टर। ये मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया। आप क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी पॉलीगन में लोगे, जिस पॉइंट से चले हो और सेम ऑर्डर में ऐड करते हो, उसी पॉइंट तक यदि पहुंच जाते हो, तो हमेशा इसका सम जीरो ही होगा। जीरो नहीं, जीरो वेक्टर होगा। यदि मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर लूं, मान लो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और मैं कहता हूं कि एक काम करो, ऐड करो। किसको ऐड करो? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर। देखो, वेक्टर एडिशन में डायग्राम देखना जरूरी नहीं है। जब भी किसी दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, तो बस इतना सा काम करना है कि फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट और नेक्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यदि कॉन्साइड हो रहा है, उसको एलिमिनेट कर दो। इस तरह से हम किसी भी दो वैक्टर को ऐड कर सकते हैं बिना डायग्राम का, ठीक है? यदि मैं सबसे पहले ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर को ऐड करता हूँ, तो ए सी वैक्टर बनता है, एंड प्लस सी डी वैक्टर एंड प्लस डी ए वैक्टर। अगले स्टेप में यदि मैं ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर को ऐड करता हूँ, तो ए डी वैक्टर बनता है एंड प्लस डी ए वैक्टर। और मुझे पता है कि जो डी ए वैक्टर है वो माइनस ए डी वैक्टर हो सकता है। यदि मैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को इंटरचेंज कर दूँ, तो आगे निगेटिव साइन आ जाएगा। नो, वट डू मीन बाई ए डी वैक्टर माइनस ए डी वैक्टर? वट डू मीन बाई ए डी वैक्टर माइनस ए डी वैक्टर? सेम वेक्टर है ना, सेम वेक्टर, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर होगा। सो वी कैन से द आंसर इज जीरो वेक्टर। इसी तरह से आप पेंटागन, हेक्सागन पे वर्कआउट कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। तो मैंने आपको बताया वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। यदि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, इन द पेंटागन ए बी सी डी ई, प्रूव दैट ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी वैक्टर प्लस ए वैक्टर इक्वल टू जीरो वैक्टर। वट इज दिस? दिस इज अ पॉलीगन लॉ, बट इसको प्रूव करना है। कैसे? करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट, चलो डायग्राम बना ही लेते हैं, डायग्राम बना ही लेते हैं। ये मेरे पास एक पेंटागन है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई। ओके, ठीक है। अब मुझसे कहा गया ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी वैक्टर प्लस ई वैक्टर पता करो। करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लो, लेफ्ट हैंड साइड, जैसा मैंने क्वाड्रेंटल बताया, लेफ्ट हैंड साइड को लो, इट इज ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर एंड प्लस सी डी वैक्टर एंड प्लस डी वैक्टर प्लस ई वैक्टर, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप, एक बार में दो ही वैक्टर को ऐड करो। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए सी वैक्टर एंड प्लस सी डी वैक्टर एंड प्लस डी ई वैक्टर एंड प्लस ई ए वैक्टर, ठीक है? चलो फिर से किसी दो वैक्टर को ऐड करो, फिर से इन दोनों को ऐड करो, फिर से ऐड करो, तो ए सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा? ए डी वैक्टर एंड प्लस डी ई वैक्टर एंड प्लस ई ए वैक्टर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर से ए डी प्लस डी ई को ऐड करो, क्या हो गया? ए ई वैक्टर, और ई ए वैक्टर को माइनस ए ई वैक्टर लिया जा सकता है, तो क्या आंसर आ गया? जीरो वैक्टर। दिस इज द राइट हैंड साइड, हमें जीरो वैक्टर ही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगन लॉ। अब यदि इस बात को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो, तो देखो डायग्राम में ए बी प्लस बी सी क्या बन गया? ए सी। ए सी प्लस सी डी क्या बन गया? ए डी। और फिर उसके बाद ए डी प्लस डी क्या बन गया? ई ए। तो ई ए और ए कैंसिल होकर के फाइनली आंसर क्या हो गया? जीरो वैक्टर, ठीक है? ये तो बात थी पेंटागन के बारे में।
पेंटागन में ही एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ए बी प्लस ए प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस सी डी प्लस ए सी, बताओ। बात वही है, करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लो और ऐसे दो वेक्टर को ऐड करते चले जाओ जिन दोनों में फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट नेक्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के इक्वल, ऐसा ग्रुपिंग करो और ऐड करते चले जाओ। यदि मैं सेकेंड पार्ट को देखता हूँ, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है देखिए ए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एंड प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर एंड प्लस ई डी वेक्टर एंड प्लस ए सी वेक्टर। अब मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करूंगा, ग्रुपिंग आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं ऐसा ग्रुप बनाता हूँ जिसमें कि फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट नेक्स्ट के इनिशियल पॉइंट के इक्वल हो। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को मैंने एक साथ लिया, ठीक है ओके। और एक काम करता हूँ, ए ई वेक्टर एंड प्लस ई डी वेक्टर को भी मैं एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है, ये भी एक ब्रैकेट हो गया। अब बचा क्या, देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए ई हो गया, ई डी हो गया, अब क्या बचा, अब इन दोनों में ऐसा सेट नहीं हो रहा है, इसको अलग से रहने दो, डी सी एंड ए सी को, ठीक है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इन दोनों को ऐड करो। सो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या बन गया, ए सी वेक्टर, ठीक है जी। ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर क्या बन गया, ए डी वेक्टर एंड प्लस डी सी वेक्टर एंड प्लस ए सी वेक्टर, ठीक है। अब फिर से ग्रुपिंग करो, अब देखो ग्रुपिंग ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी फिर से बन रहा है, एक का फाइनल पॉइंट नेक्स्ट के इनिशियल पॉइंट के इक्वल, तो क्या बन गया, ए सी वेक्टर एंड प्लस ए सी वेक्टर एंड प्लस ए सी वेक्टर। तो आप देख लो आंसर क्या मिला, 3 टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर, दिस इज द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड बन गया। तो आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया, आइडिया सेम था, ट्रायंगल लॉ क्या करना है, ऐसे किसी दो वेक्टर को ऐड किया जा सकता है जिसमें फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट नेक्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के इक्वल है, ठीक है जी। ये बेसिक था ट्रायंगल लॉ का, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आगे जितने भी क्वेश्चन आप डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में करोगे वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट का बहुत एप्लीकेशन होगा। नाउ सी व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का वेक्टर होता है। जैसे मैं कहता हूं कि पॉइंट ए है और पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, मैं कहता हूं हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और हमारे पास एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। हमने तो पढ़ा था कि किसी वेक्टर में हमेशा एक डायरेक्शन होता है, और जब डायरेक्शन होता है तो एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट होता है। जैसे ए बी वेक्टर, ए इनिशियल बी फाइनल, बी सी वेक्टर बी इनिशियल सी फाइनल, ए पी वेक्टर ए इनिशियल पी फाइनल। तो हर एक वेक्टर में एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट होता है, लेकिन यदि मैं कहता हूं कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है। सुनो ध्यान से सुनो, यदि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है मतलब ये जो पॉइंट है ना ये फाइनल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये, फाइनल पॉइंट। सो व्हाट विल बी द इनिशियल पॉइंट, व्हाट विल बी द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या होगा, तो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा जो कहीं ना कहीं होगा उस प्लेन के ऊपर। जैसे मैं इस डायग्राम में मान लेता हूं कि यहां पे पॉइंट ओ है जो कि ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो यदि मैं कहता हूं कि पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर, इसका मतलब कि ओ ए वैक्टर इज कॉल ए वैक्टर, और इसका मतलब ओ बी वैक्टर इज कॉल बी वैक्टर। सो व्हाट डू मीन बाय ए बी वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय ए बी वेक्टर, व्हाट डू मीन बाय ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या होगा। तो आप इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में यदि मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, देखो ना ट्राइंगल लॉ यदि अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, मैं कह सकता हूं कि यहां पर ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर का ऑर्डर सेम है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट ही ओ बी वेक्टर है। यदि मैं इस बात को लिखता हूं, सो ओ ए वेक्टर हमने ए वेक्टर लिया था और ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर होता है। सो फाइनली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच हमें यहां पे मिलने वाला है, और वो ये है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका मतलब जब कभी किसी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है और उस वेक्टर को आप फाइंड करने वाले हो, तो आपको लेना है द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। जैसे हमने यहां पर लिया, देखो ए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या बना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट बी, एंड ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट।
सब पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। आ रही बात समझ में? ये लॉजिक था। अब जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में मेरे पास पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर है, पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर बी वैक्टर है, पॉइंट सी का पोजिशन वैक्टर सी वैक्टर। आपको कहा जा रहा है कि बताओ वट इज ए बी वैक्टर, वट इज ए बी वैक्टर, वट इज ए बी वैक्टर। वी कैन से इट इज बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। मैं कहता हूँ वट इज बी सी वैक्टर, इट इज सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर। वट इज ए सी वैक्टर, इट इज सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। क्या हो रहा है? जो भी वेक्टर आप फाइंड कर रहे हो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द आइडिया ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूं। सुनिए, देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी आर गिवन। ओके, ठीक है, तो पॉइंट ए बी सी का पोजिशन वेक्टर दिया गया। पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर है 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ओके, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ओके, एंड पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है माइनस 5a वेक्टर एंड प्लस b वेक्टर। ये तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ। क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है फाइंड द वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, पहले ये तीन चीजें पता करनी है। सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर पता करना है। क्या कहा था मैंने कि यदि किसी क्वेश्चन में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो फाइनल पॉइंट में इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करो। सो ए बी वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर में ए वेक्टर के ए पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया और मुझे बेरी में ब्रैकेट हटाता हूँ। सो ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर एंड प्लस 3b वेक्टर, तो ये बन जाता है माइनस 3a वेक्टर एंड प्लस 6b वेक्टर। बन गया ए बी वेक्टर। और क्या पूछा गया? बी सी वेक्टर। ओके, तो बी सी वेक्टर करता हूं। बी सी वेक्टर क्या होगा जी? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके, तो पॉइंट सी का पोजिशन वेक्टर क्या हो गया? माइनस 5a वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड प्लस 3b वेक्टर। तो ये बी सी वेक्टर हो गया। ओके, ब्रैकेट हटाता हूं। सो माइनस 5a वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तो ये बन गया माइनस 6a वेक्टर, है ना? लाइक टर्म पे एक साथ कर रहा हूं, माइनस 2 वेक्टर। और क्या पूछा गया? ए सी वेक्टर। ओके, इसको भी करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस 5a वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर माइनस 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, करिए सब्ट्रैक्ट इसको भी, तो माइनस 9a वेक्टर हो जाएगा और b प्लस 3b कितना हो जाएगा? प्लस 4b वेक्टर। मिल गया आपको, देखो, ए बी वेक्टर मिला, बी सी वेक्टर मिला और ए सी वेक्टर मिला। अब क्वेश्चन लिखा है कि ऑल्सो वेरीफाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। ऐड कर लो ए बी एंड बी सी को। करता हूँ मैं, ये देखो, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर को यदि मैं ऐड करता हूँ तो ये माइनस 9a वेक्टर एंड प्लस 4 वेक्टर आता है। एग्जैक्टली करेक्ट है, ए सी वेक्टर के इक्वल है। तो हियर वी कैन से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को ऐड करने से ए सी वेक्टर के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, यही प्रूफ करना था हमें इस क्वेश्चन में। आगे बात समझ में? तो ये पोजीशन वेक्टर का बेसिक आइडिया के ऊपर क्वेश्चन थे। बेसिक क्या है कि जब भी पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन आता है, पॉइंट का वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर को फाइंड करने के लिए फाइनल पॉइंट में इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। व्हाट डू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द लेंथ। और जब आप किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में जानना है। क्या जानना है? वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में। यदि मैं कंपोनेंट की बात करूं, मान लो मेरे पास एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है जिसमें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को लेते हैं। यदि मेरे पास एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है, सो व्हाट डू मीन बाय वेक्टर कंपोनेंट? मैं कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है आई कैप।
यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो दिस इज कॉल्ड आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यदि मैं यूनिट वेक्टर को लेता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसको हम जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यदि यूनिट वेक्टर को लिया जाए जिसको हम के कैप कहते हैं। सो वी हैव आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। नाउ इफ वी आर टेकिंग अ रैंडम वेक्टर, मान लो मैंने यहां पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह एक पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस पॉइंट पी? वी कैन से द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज कॉल्ड ओपी वेक्टर, एंड ओपी वेक्टर का जो कंपोनेंट बनेगा यहां पे वो बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने यहां पर बताया है, इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी कोऑर्डिनेट कार्टेशियन पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, मतलब ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। आपके पास एक पॉइंट -1, 2, 4 है, मतलब ये माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है। किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट को जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता है उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कंपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको आई कैप जे कैप के कैप कहते हैं। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? लेंथ। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? लेंथ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द लेंथ। द लेंथ इज कॉल्ड, यदि मैं ओपी वेक्टर का लेंथ फाइंड करना चाहूं तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। पॉइंट ओ का पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0, और वो क्या? एक्स वाई जेड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओपी? इट इज एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर। तो फाइनली इट कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। And when we got the vector and its magnitude, we can also find the unit vector in the direction of OP vector. इसका formula क्या होता है? यदि आप OP cap पता करना चाहते हो, this is called OP vector divided by magnitude of OP vector. So इसका मतलब, when we are finding the unit vector of a vector, it is the vector x I cap plus y j cap plus z k cap divided by its magnitude, which is square root of x square plus y square plus z square. This is called the unit vector. तो यहाँ पे मैंने दो concept आपको बताया कि how to find the magnitude of a vector, the formula is root x square plus y square plus z square, and the second thing, how to find the unit vector when a vector is given. We can say to find the magnitude and then divide the magnitude with the vector. दो step में करना है unit vector को find. ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका कुछ एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं। फटाफट सुनो, मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए वेक्टर पर 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करो। मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा हमने यहां पर लिखा है, आप देख रहे हो। सबसे पहले आप ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर पता करो, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड का सोचेंगे। तो ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बी वेक्टर हमारे पास है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो ये बन गया i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस 4i कैप, ब्रैकेट हटा रहा हूँ, प्लस 2j कैप प्लस 12k कैप। राइट, सो ए वेक्टर प्लस 2 वेक्टर क्या होगा? लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, I कंपोनेंट को I कंपोनेंट के साथ, J को J के साथ एंड K को K के साथ। तो क्या बनेगा? देखो 4 प्लस 1 5 5i कैप। ओके, J कैप को देखो 2j माइनस j प्लस J कैप एंड प्लस 13k कैप। ठीक है, तो ये बन गया A वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाए तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जिस भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो उसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर एंड प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। तो ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ
25 प्लस 1 एंड प्लस 1 69, तो 170 प्लस 25 इज कॉल 195। यस, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ 190। मैग्नीट्यूड का आंसर स्क्वायर रूट में आ सकता है, मैग्नीट्यूड एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, मैग्नीट्यूड एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उस वेक्टर का लेंथ। डिस्टेंस फार्मूला वाली बात आ गई यहां पे, तो फार्मूला आपको पता चल गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन यूनिट वेक्टर के ऊपर लेता हूं, आपको पता चल गया हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। जब भी आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हो, आप उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करो, मतलब आपको दो स्टेप करना है, पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर उस वेक्टर के साथ डिवाइड कर देना है, दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। पढ़िए क्वेश्चन को, यूनिट फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ओके, दो स्टेप करेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। देखो यूनिट वेक्टर के ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर में लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुनिए, ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर पता करना है, पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड पता करता हूँ, आप भी करिए अपने नोटबुक पे। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 6 स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। तो पहला स्टेप क्या था, मैग्नीट्यूड पता करो। दूसरा स्टेप क्या है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सो वी कैन से द यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू 3/7 i कैप माइनस 2/7 j कैप एंड प्लस 6/7 k कैप। यूनिट वेक्टर का जो आंसर है, यदि आप उसको वेरीफाई करना चाहो तो जो आंसर मिला है उसका मैग्नीट्यूड पता करो, डेफिनेटली 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यदि आप इसके आंसर को वेरीफाई करना चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2/7 होल स्क्वायर प्लस 6/7 होल स्क्वायर करो, डेफिनेटली 1 आएगा। सो हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, जब भी आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने जा रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आप उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करने वाले हो। बट कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि किसी एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका डायरेक्शन भी नहीं पता और मैग्नीट्यूड पता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, पढ़िए इस क्वेश्चन को, लिखा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 21। दो स्टेप में करो, पहले इस गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। सुनो ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए, कंसंट्रेट करिए। पहले इस गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करो, जब यूनिट वेक्टर पता कर लोगे तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और उस वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 1 मिला है उसको 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो 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 फाइनल वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड अपने आप ही 21 आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन में एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना हो जिसमें लिखा है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन, तो डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, पहले यूनिट वेक्टर पता करिए और उसको 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। दिस इज अ 5-स्टार क्वेश्चन, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिए और अपने नोटबुक में जरूर करिए इसको। दिस इज अ 5-स्टार क्वेश्चन, पढ़िए। ए वेक्टर पता है हमें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर एंड प्लस 6 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड प्लस 9 एंड प्लस 36, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, इट बिकम्स 7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या मिल गया, 7। ओके, अब मुझे यूनिट वेक्टर करना था, ओके, तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू 2/7 i कैप, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ, 3/7 j कैप एंड प्लस 6/7 k कैप, ये बन गया यूनिट वेक्टर। ये उसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट मुझे एक ऐसा वेक्टर उसी डायरेक्शन में चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 21 है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड वेक्टर कैन बी रिटन एज द वेक्टर मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड विच इज 21, इट इज 21 मल्टीप्लाई 2/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप
एन प्लस 6 बाई 7 के क्या है, सो इट कैन बी, यदि मैं 7 को कॉमन लेता हूँ तो ये 21 बाई 7 एंड 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप एंड प्लस 6 के कैप, ठीक है, तो 7 थ्री जै 21 और ये फाइनल बना 6 आई कैप माइनस 9 जे कैप एंड प्लस 6 थ्री जै 18 के कैप, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे क्रॉस प्रोडक्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि एक ऐसा वेक्टर पता करो जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड तो यह है ना, डायरेक्शन नहीं पता, तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर पता करो, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जिसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट वेक्टर मिल जाता है हमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं इसके ऊपर। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि जब कोई क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता है तो आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ओके, मैं पहले इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो ट्राई करके देखते हैं। 315, ओके, पॉइंट बी है -1 -1 9 एंड पॉइंट सी है 0 -5 1। बाय यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस आर गिवन। मतलब मुझे ए बी का लेंथ पता करना, मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है। लेंथ ऑफ ए बी का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय द लेंथ ऑफ ए बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो पहले ए बी वेक्टर पता कर लो, बी सी वेक्टर पता कर लो, ए सी वेक्टर पता कर लो, और फिर इन तीनों का मैग्नीट्यूड पता कर लो, ऐड कर दो, पेरीमीटर मिल जाएगा। सुनो मैं करके दिखाता हूं, पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है, मतलब ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर दिस थ्री पॉइंट्स, इट इज 3 आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 5 के कैप। ओके, ओ बी वेक्टर बन गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 9 के कैप। ओके, ओ सी वेक्टर मिल गया 0 आई कैप माइनस 5 जे कैप एंड प्लस के कैप, ठीक है। ओके, सो हाउ टू फाइंड ए बी वेक्टर। ओके, ए बी वेक्टर इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो। मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करना, माइनस आई माइनस 3 जे कैप आई कैप मतलब माइनस, सॉरी ये बन जाएगा माइनस 4 आई कैप और माइनस जे, और माइनस जे क्या होगा माइनस 2 जे कैप, और 9 माइनस 5 क्या होगा प्लस 4 के कैप, ठीक है ना। और जब बी सी वैक्टर फाइंड करने जाओगे तो सी माइनस बी करना पड़ेगा, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 आई कैप, नहीं आई कैप कहाँ था इसमें, नहीं था ना, गलती हो गई, तो आई कैप माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 जे कैप और माइनस 8 के कैप। और यदि मैं ए सी वैक्टर की बात करूँगा तो सी माइनस ए क्या बनेगा, माइनस 3 आई कैप माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 जे कैप और माइनस 4 के कैप, ठीक है। और अब यदि मैं इन तीनों का मैग्नीट्यूड्स पता कर लूँ तो ये इसका मतलब मुझे इन तीनों वेक्टर का, तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल का लेंथ मिल जाएगा। सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, मैं शॉर्टकट में करता हूँ, माइनस 4 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, कितना बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6, तो ए बी का लेंथ मिल गया 6 यूनिट, ठीक है, राइट। और यदि मैं बी सी का लेंथ पता करना चाहूँ तो बी सी का लेंथ देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 8 स्क्वायर 64, तो 64 81 हो गया, ये रूट 81 कितना हो गया 9, तो बी सी कितना हो गया 9। ओके, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 16, तो 36 प्लस 9 45 प्लस 16, रूट 61 आ रहा है ना, एक बार कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा आप मुझे, माइनस 3 आई कैप, 3 आई कैप प्लस 6 और 4, 36 प्लस 16 एंड प्लस 9, तो 25 एंड 36,
ठीक है, रूट 61, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, रूट 61 छोड़ दो, ठीक है, तीन तीनों को ऐड कर दो। सो पेरीमीटर इज कॉल्ड 6 + 9 प्लस रूट 61, ठीक है। पेरीमीटर मतलब क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री को ऐड कर दो। तो पोजिशन वेक्टर का जो भी कॉन्सेप्ट था हमने डिस्कस किया, और इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है और फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारे पास है, छोटा सा टॉपिक है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्शन रेशियो, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट का सिंपलेस्ट रेशियो को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर है, सुनो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो 1, 2, 3 इसका डायरेक्शन रेशियो है। यदि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, 1, 2, 3 इसका भी डायरेक्शन रेशियो है। मतलब जो आई कैप जे कैप के कैप का कंपोनेंट है, कोफिशियंट है, उस कोफिशियंट में यदि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो सही है, बट यदि उसमें कुछ कॉमन फैक्टर तो उसको हटा दो, जैसे 2, 4, 6 है, तो डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3 होगा। 2 से डिवाइड कर दिया सबको, 1, 2, 3 है तो 1, 2, 3 होगा, 2, 4, 5 है 2, 4, 5 होगा। यदि तीनों कंपोनेंट में कुछ कॉमन रेशियो कॉमन फैक्टर तो हटा दो और नहीं है, तो जो वेक्टर का कंपोनेंट है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, नाम से क्लियर। सुनो, इस बात को मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक, अगला चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी ये बहुत काम आने वाला है। तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मान लो यहां पे मेरे पास एक पॉइंट पी है जिसका पोजिशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इस वेक्टर का मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता करना है। आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोसाइन मतलब क्या होता है? अरे व्हाट इज कोसाइन, इट इज कॉस, एंड व्हाट इज कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हमने, कॉस थीटा इज कॉल बेस बाय हाइपोटेन्यूस। यदि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ है ये एक्स यूनिट है, तो ये जो आप देख रहे हो ये डायरेक्शन है, ओपी वेक्टर है। तो आप यदि इस डायरेक्शन, इस एंगल को अल्फा मान लो, तो व्हाट इज कॉस अल्फा, व्हाट इज कॉस अल्फा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, कॉस अल्फा इज कॉल बेस बाय हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज बेस, इट इज एक्स, और हाइपोटेन्यूस मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? दोबारा सुनो, अल्फा इज द एंगल ऑफ द वेक्टर विद एक्स एक्सिस, एंड इफ वी आर फाइंडिंग द कॉस अल्फा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, वी कैन से दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस। द कॉस अल्फा इन दिस डायग्राम कैन बी रिटन एज इट इज ओ क्यू, लेंथ ऑफ ओ क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ओपी। व्हाट इज लेंथ ऑफ ओपी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। सो दिस इज कॉल्ड कॉस अल्फा, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और इसी तरह वाई के साथ करो तो कॉस बीटा मिल जाएगा, ये देखो, और जेड एक्सिस के साथ करो तो कॉस गामा मिल जाएगा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो इस डायग्राम में मैं कह सकता हूं कि इसमें जो डायरेक्शन रेशियो है वह एक्स वाई एंड जेड, बट इसमें जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो है एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड जेड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यह है डायरेक्शन कोसाइंस। सो वी गॉट द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग कॉस अल्फा कहते हैं, कॉस बीटा कहते हैं एंड कॉस गामा कहते हैं, और इसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए तो सिंबोलिकली दिस इज कॉल्ड एल एम एन एन। इस सब का मतलब एक ही है। सो कॉस अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटन एज एल, कॉस बीटा कैन ऑल्सो बी नोन एज एम, एंड कॉस गामा इज कॉल्ड एन। एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, और इसका फॉर्मूला आपको मिल गया, राइट? नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल एम एंड एन, एल एम और एन का रिलेशन क्या है, हाउ टू रिलेट एल एम एंड एन, इन तीनों को आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं
यदि मैं इन तीनों को स्क्वेयरिंग करके ऐड कर देता हूं कैंसिल हो जाएगा। पढ़ के देखो, देखो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो ना क्या हो रहा है, एल स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, एम स्क्वायर इसका स्क्वायर करो और एन स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करो, देखो ना क्या हो रहा है, ऐड करो इन तीनों को और ऐड करके देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया, वन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री डायरेक्शन कोसाइन, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ऑल द थ्री डायरेक्शन कोसाइन। यदि किसी क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा दिया गया है, वी कैन फाइंड द गामा। यदि बीटा एंड गामा दिया हुआ है, वी कैन फाइंड अल्फा। सो अल्फा बीटा एंड गामा को फाइंड करने के लिए किसी भी दो एंगल का पता होना चाहिए, तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, राइट। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन में किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए लिखा है राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर एंड हेंस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। डायरेक्शन कोसाइन में हमने देखा कि हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, तो बात वही होगी, तो यूनिट वेक्टर हो गया। वेक्टर के कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं और उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। दैट्स इट दोनों मिल गया, कोई टेंशन नहीं, कुछ नया टॉपिक ही नहीं है ये। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था अभी, वेक्टर के सिंपलेस्ट रेशियो को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं एंड उसी वेक्टर के को यदि यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाए तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन रेशियो पूछा जा रहा है, सबसे पहले मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन रेशियोज आर वन वन माइनस टू। डायरेक्शन रेशियो निगेटिव भी हो सकता है, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करो, स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन प्लस फोर, क्या बन गया रूट सिक्स। सो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर पता करो, वन बाय रूट सिक्स आई कैप प्लस वन बाय रूट सिक्स जे कैप माइनस टू बाय रूट सिक्स के कैप। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन्स यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को ही डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, कोई अलग से फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया और इसका कंपोनेंट है वन बाय रूट सिक्स, वन बाय रूट सिक्स और माइनस टू बाय रूट सिक्स, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। तो इस क्वेश्चन में ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया और ये डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। सो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर एंड फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर, दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन पे, और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें तीन डिफरेंट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को पढ़िए, इफ अ वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ ओ एक्स वाई एंड ओ जेड रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू टू। बट हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कॉस में था, साइन में तो नहीं था ना, कोई बात नहीं करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ दैट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा। बट हमारे पास फॉर्मूला कॉस में है, तो क्यों नहीं उसको कॉस में कन्वर्ट करने करते हैं। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा। सो वन प्लस वन प्लस वन क्या हो गया, थ्री, इस सब में माइनस कॉमन लो, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अरेंज कर दिया हमने टर्म्स को। व्हाट डू मीन बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज ऑलवेज वन, दिस इज ऑलवेज वन, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या बन गया, वन, द आंसर इज बट टू, दिस इज द राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया क्वेश्चन का।
ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि कैन अ वेक्टर हैव डायरेक्शन कोसाइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। मतलब हमारे पास जो रिलेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यदि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये डायरेक्शन कोसाइन, और नहीं करता है तो नहीं है। जैसे मैं अल्फा को पुट करता हूँ इसमें, यदि मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को लेता हूँ तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री एंड प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कितना होगा? 1/√2 होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा? 1/2 होल स्क्वायर। एंड कॉस स्क्वायर 120 डिग्री क्या होगा? -1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये बन गया 1/2 प्लस 1/4 एंड प्लस 1/4। तो यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो 1/4 एलसीएम हो गया, 2 + 1 + 4/4 1 आता है। सो इसका मतलब यस, ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, ये एंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 1 आ रहा है। यदि 1 नहीं आता तो ये एंगल नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये नहीं होता डायरेक्शन कोसाइन, बट ये हो सकता है। तीसरा पार्ट है प्रूव दैट 1 1 1 कैनॉट बी डायरेक्शन कोसाइन। ऑफकोर्स 1 square + 1 square + 1 square is not equal to 1. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 होना चाहिए, जबकि थर्ड पार्ट में 1 square + 1 square + 1 square क्या आ रहा है? 3. This is not equal to 1. इसलिए थर्ड पार्ट में हम कह सकते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है किसी लाइन का, ठीक है जी। चलो तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन का आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। आपने नोट्स बना लिया होगा। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक हमारे पास है सेक्शन फार्मूला। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इस टॉपिक को पढ़ा था। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है? सुनो, यदि मैं सेक्शन फार्मूला की बात करता हूँ तो एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे मुझे कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि मेरे पास एक पॉइंट ए है जिसका पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर है, और मेरे पास एक पॉइंट बी है जिसका पोजिशन वैक्टर बी वैक्टर है, और मैं कहता हूं कि एक पॉइंट पी, एक ऐसा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता करो जो कि ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यही बात हमने क्लास टेंथ में भी पढ़ा था सेक्शन फार्मूला में, बट वो कार्टेशियन फॉर्म में था और ये वेक्टर फॉर्म में। आइडिया सेम है। मैंने कहा कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऐसा दो पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, एंड पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है। सो व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी? नाउ व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी? पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं कि जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर होगा, दिस इज कॉल्ड एम बी वेक्टर एंड प्लस n a vector divided by m plus n. This is called the internal division. Section formula में दो तरह के division होते हैं, internal and external. ये हो गया इंटरनल डिविजन, ठीक है। आइडिया सेम था, बट वहां पर फॉर्मूला था mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. तो मैंने x1 y1 की जगह सीधा वेक्टर के कंपोनेंट को ले लिया, ठीक है। सेकेंड थिंग, यदि इसी में मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करूं, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट के बाहर है। यदि मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता हूं, इसका मतलब ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, एंड पॉइंट पी ए बी पे ही है बट अंदर नहीं, बाहर है, इसलिए इसको एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। ए पी इज टू पी बी का रेशियो फिर से एम इज टू एन है। सो यहां पर भी पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बनेगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल डिवीजन, राइट। सो वी गॉट द इंटरनल डिवीजन एंड वी गॉट द एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन पता चल गया, एक्सटर्नल डिवीजन पता चल गया। इंटरनल में जितने प्लस साइन थे, एक्सटर्नल में सब माइनस हो जाएंगे, और इसी से मिड पॉइंट ही मिल जाएगा। तीसरा टॉपिक इसी में हो सकता है मिड पॉइंट। यदि आपके पास पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर और बी का पोजिशन वेक्टर बी वेक्टर, आप यदि पॉइंट एम
मिड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर पता करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम कैन बी रिटन एज ए वेक्टर एन प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू. दिस इज द पोजिशन वेक्टर पॉइंट एम विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो ये सेक्शन फार्मूला का तीन इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला है और इससे जनरली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन. कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास है, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए. एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन है, लिखा है एल एंड एम आर द टू पॉइंट. ओके, मैं लेता हूँ यहाँ पे एल एंड एम आर टू पॉइंट जिसका पोजिशन वैक्टर टू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर है एंड ए वैक्टर प्लस टू बी वैक्टर है. ठीक है, राइट द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट एन. एक ऐसा पॉइंट एन का पोजिशन वेक्टर पता करो जो कि इसके बाहर है क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है और ये एल एम को एक्सटर्नली 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो यदि मैं एन का पोजिशन वेक्टर पता करने जाऊंगा तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा, एम बी वैक्टर मतलब 2 × ए वैक्टर प्लस 2b वैक्टर माइनस 1 × 2a वैक्टर माइनस बी वैक्टर एंड डिवाइडेड बाई एम माइनस एन मतलब 2 − 1. यदि सारे ब्रैकेट्स को हटाया जाए तो ये बनेगा 2a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 1. सो फाइनली इट विल बी 5b वेक्टर क्योंकि 2a वेक्टर कैंसिल हो गया और डिनोमेटर में 1 था. सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर पॉइंट एन विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एल एम एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1. इंटरनल डिविजन होता तो इस फॉर्मूले में प्लस लेते, एक्सटर्नल में माइनस लेते हैं. सेक्शन फॉर्मूले में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसके बाद अब हमारे पास वेक्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड द सेकेंड वन इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर. ठीक है जी, तो अगला टॉपिक हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट. नाउ व्हाट डू मीन बाय डॉट प्रोडक्ट, नाम से क्लियर, स्केलर प्रोडक्ट मतलब यदि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो उसका जो आंसर होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा. और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो यदि मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात करूं तो ऐसे किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है जो दोनों वेक्टर को इनिशियल हो और उसके बीच में 0° से 180° तक के बीच का कोई भी एंगल बने. वी कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच आर को इनिशियल टू इच अदर. द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर लाइज बिटवीन 0° to 180°. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, वी कैन से द फॉर्मूला टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई कॉस थीटा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट. सो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन है. इसी फॉर्मूले से आप उस सारे एप्लीकेशन को डेराइव कर सकते हो. जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन इसमें होता है एंगल. यदि आप किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना चाहते हो इसी फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करके ऐसा लिखो, मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ये वेक्टर में भी और अगला चैप्टर 3D ज्योमेट्री में भी काम आएगा. सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर वी कैन जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट. और दूसरी बात, यदि किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90° है, दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो आप देख रहे हो कि cos 90° की वैल्यू क्या होती है, 0. इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 हो जाएगा. तो मैं कह सकता हूं कि when a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर इज राइट एंगल दैट इज 90°. ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट के ऊपर आएगा. बाकी डॉट प्रोडक्ट में और भी कई चीजें हैं बट ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है जी, तीसरी बात,
यदि आप किसी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हो, क्या हो जाएगा जी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दो वेक्टर सेम है तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 है एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो इसको हम सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि वेन वी आर फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द सेम वेक्टर, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, ठीक है जी। और उसी तरह से आप नेगेटिव वेक्टर का भी कर सकते हो, आप 180 डिग्री के एंगल वाले वेक्टर का भी कर सकते हो। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। व्हेन वी आर फाइंडिंग द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मैं सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको बता रहा हूं पॉइंट बाय पॉइंट, इससे ज्यादा डॉट प्रोडक्ट में और कुछ एप्लीकेशन नहीं आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, राइट। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, इससे ज्यादा डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं। बट यदि किसी वेक्टर का कंपोनेंट दिया गया है देन हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। सुनो, मैंने कहा कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हो, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसका आंसर 0 है। इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर होता है। यदि मेरे पास एक क्वेश्चन है, कंपोनेंट दिया गया, लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप एंड प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप एंड प्लस बी थ्री के कैप। सो यदि मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहूं, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वन आई कैप प्लस बी वन आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय आई कैप डॉट आई कैप, दोनों के बीच का एंगल 0, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप स्क्वायर, दैट इज 1। सुनो सुनो, पहले मैं ये बता देता हूं आपको, आई कैप डॉट आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप स्क्वायर 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई कैप एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1, के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1, और इसी तरह से यदि मैं कहता हूं आई कैप डॉट जे कैप, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। I cap is the x axis and j cap is the y axis. तो x और y के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो ऐसा कोई दो वेक्टर जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। j cap डॉट k cap भी क्या होगा 0 एंड k cap डॉट i cap भी क्या होगा 0, ये सब 0 हो जाएगा। फिर एक वेक्टर का सेम वेक्टर साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो 1 आएगा, और डिफरेंट वेक्टर साथ करो तो 0 आ जाएगा। तो यदि मैं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करता हूं तो इसका फाइनल आंसर आएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू एंड प्लस ए थ्री बी थ्री। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। इस तरह से आप किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ये पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट है, ये जब मैंने यहां बताया इससे ज्यादा डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, और फिर मैं डॉट प्रोडक्ट का काफी सारा एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास पहला बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो मैं एक वेक्टर को मान लेता हूं ए वेक्टर। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस एट के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है माइनस थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप एंड प्लस फोर के कैप, ठीक है। यदि मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा वन मल्टीप्लाई माइनस थ्री एंड प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस फाइव एंड प्लस माइनस एट मल्टीप्लाई फोर। दिस इज कॉल्ड माइनस थ्री माइनस 15 और माइनस 32। क्या किया हमने, आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से मल्टीप्लाई किया, के को के से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन को भी उसके साथ रखना है। तो माइनस 3 माइनस 15 और माइनस 32, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10 और 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 इट इज माइनस 50। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, माइनस 50 हो गया, ठीक है जी। बहुत सिंपल, वन मार्क का क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास देखो, प्रोजेक्शन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने डॉट प्रोडक्ट के सारे एप्लीकेशन के फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, अब प्रोजेक्शन में क्या करोगे? मैं लिखता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, सो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाए। ओके, लिखता हूं मैं पहले इसको, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप डॉट डॉट टू आई कैप प्लस टू जे कैप एंड प्लस के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी का मैग्नीट्यूड लिखता हूं, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड प्लस वन स्क्वायर। तो ये बन गया टू टू जा फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स एंड प्लस टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन गया, फोर प्लस फोर प्लस वन। तो सिक्स प्लस फोर टेन प्लस टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय रूट नाइन इज कॉल थ्री, द आंसर इज फोर। दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट का अगला एप्लीकेशन देखो। यदि मेरे पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एंगल पता करो, मैंने आपको कहा कि व्हेन वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो व्हेन वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बोथ द वेक्टर। पहले आपको जिन दोनों के बीच का एंगल पता करना है उन दोनों वेक्टर को पता कर लो। तो कौन दोनों के बीच का एंगल पता करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यदि हम ए और बी को ऐड करें तो ये आएगा फाइव आई कैप माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो गया एंड प्लस के कैप। ठीक है, ए माइनस बी की बात करें तो माइनस आई कैप माइनस जे हो गया तो माइनस टू जे कैप। ठीक है, वन थ्री के प्लस टू के क्या हो गया, फाइव के कैप। सही है ना, सही है। सो मैंने पहले वो दोनों वेक्टर को पता कर लिया जिसका जिसके बीच का एंगल हमें पता करना है। अब इन दोनों के बीच का यदि एंगल फाइंड किया जाए तो फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मूला क्या है, इन दोनों जिन दोनों वेक्टर का बीच का एंगल पता करना है उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करना है किसके साथ, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, फाइव मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस फाइव माइनस टू मल्टीप्लाई जीरो जीरो एंड प्लस फाइव। इसमें तो मैग्नीट्यूड की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि न्यूमरेटर जीरो आ रहा है, जब न्यूमरेटर जीरो आ रहा है इसका मतलब इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो व्हेन डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर जीरो वी कैन से द एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री। राइट एंगल ऑर्थोगोनल 90 डिग्री तभी होता है जब उन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को जीरो कहते हैं, और यहां पे फॉर्चुनेटली दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपने आप ही जीरो आ रहा है, और जीरो आ रहा है मतलब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। राइट, डॉट प्रोडक्ट में और क्या एप्लीकेशन आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सुनो, अगला क्वेश्चन मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का ये है, यहाँ पे ऑर्थोगोनल एक नया वर्ड यूज किया गया। देखो ऑर्थोगोनल, व्हाट डू मीन बाय ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल इज आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ही हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऑर्थोगोनल है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ओके, पहले इन दोनों वेक्टर को पता करो, सिक्स आई कैप माइनस टू जे कैप एंड प्लस सेवन प्लस लेमडा के कैप। ठीक है, ओके, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पता करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो गया माइनस फोर आई कैप प्लस जीरो जे कैप एंड प्लस सेवन माइनस लेमडा के कैप। ठीक है, अब मैं यदि इन दोनों को ऑर्थोगोनल लेता हूं, सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, सो देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज व्हाट, जीरो। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो करते हैं डॉट प्रोडक्ट,
कैसे होगा? 6 × −4 − 24, ओके, −2 × 0 इज 0 एंड +7 + λ एंड −7 − λ इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया −24 एंड +49 − λ² इज इक्वल टू 0। सो λ² इज इक्वल टू 25, लेमडा इज इक्वल टू +−5। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये तो डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और भी कई सारे एप्लीकेशन है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट का अगला जो एप्लीकेशन हमारे पास है, देखो डॉट प्रोडक्ट में जो बेसिक आइडियाज के ऊपर क्वेश्चन थे हमने किया, अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें कुछ हम आइडेंटिटी भी अप्लाई करने वाले हैं। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, इसमें लिखा हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर और परपेंडिकुलर। जब कभी भी परपेंडिकुलर वर्ड आपके सामने आता है, ये आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो फर्स्ट लाइन से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ओके। अब देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स दिया गया है, ओके। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया गया है और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर पता करना है। देखो जब भी किसी क्वेश्चन में सम ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर एंड सम ऑफ थ्री वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी? यहां पे मैं जो आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं वो आइडेंटिटी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर एंड प्लस 2 times ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में सम ऑफ वेक्टर टू वेक्टर या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर है, वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी, और इससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। और आगे कुछ और एग्जांपल मैं इसके ऊपर बताऊंगा आपको। आप देखिए इसमें जो गिवन सिचुएशन उसको पुट करिए, तो 13² मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर कितना हो गया 5² एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर एंड प्लस 2 × 0, क्योंकि ए डॉट बी क्या था? 0 था, ओके। तो ये बन गया 169 इज इक्वल टू 25 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ओके। 169 − 25 कितना हो गया 144 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैन बी रिटन एज 12। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज मैग्नीट्यूड एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपने देखा, ये मैंने आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बताया जो कि स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर था। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसमें आप पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज अ 5-star क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। सुनिए, लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 वेक्टर है और उसमें से जो ए वेक्टर है, सॉरी बी वेक्टर है, उसको किसी ऐसे 2 वेक्टर में स्प्लिट करना है जिससे कि फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर के ऊपर पैरेलल है एंड सेकेंड वेक्टर बी ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। सुनो, मैं एक काम करता हूं, 3 इक्वेशन बनाता हूं। पहला इक्वेशन हमारे पास है बी वेक्टर इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड में लिखा हुआ b1 इज पैरेलल टू a वेक्टर, व्हाट डज इट मींस b1, यदि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सेकंड वेक्टर। यदि 2 वेक्टर पैरेलल है इसका मतलब क्या है? यदि 2 वेक्टर्स पैरेलल है इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सेकंड वेक्टर। तो जो यहां पे लिखा हुआ है कि b1 वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर, मैं कह सकता हूं b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा a वेक्टर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। एंड तीसरा है b2 एंड a आर परपेंडिकुलर, व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर? इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। यदि कोई 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो मैं कह सकता हूं b2 वेक्टर
डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो आपने देखा हमें तीन इक्वेशन मिला और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या पता करना है, बी वन वैक्टर एंड बी टू वैक्टर पता करना है। कर सकते हैं, बहुत आसान है। पहली इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग पार्ट इस क्वेश्चन में था कि हाउ टू मेक द इक्वेशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। द सेकंड चैलेंजिंग पार्ट इज हाउ टू सॉल्व दीज थ्री इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ पी वन वैक्टर एंड बी टू वैक्टर। तो मैं थर्ड इक्वेशन को देखता हूं। थर्ड इक्वेशन में बी टू वैक्टर की जगह बी वैक्टर माइनस बी वन वैक्टर लिया जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन वन, डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर माइनस बी वन वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। सो मैं इसको कह सकता हूँ बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर माइनस, वट डू मीन बाई बी वन, पढ़ो इक्वेशन टू को, इक्वेशन टू को पढ़ो। बी वन का मतलब क्या है, लेमडा ए वैक्टर। तो ये क्या बन गया, लेमडा ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब चूंकि b और ये दोनों आपको पता है तो आप बहुत इजीली लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैं लेमडा की वैल्यू फाइंड करूंगा तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होगा, देखो b और a दिया हुआ ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो, 3 2 6 एंड माइनस 1 प्लस 0, ओके। लेमडा मल्टीप्लाई a डॉट a क्या होगा, देखो 3 3 9 एंड प्लस 1, तो ये बन गया 6 - 1 5 इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई 10। लेमडा कैन बी रिटन 5/10, दैट इज 1/2। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी गॉट द वैल्यू ऑफ लेमडा, और लेमडा की वैल्यू को जैसे मैं इक्वेशन टू में पुट करूंगा मुझे बी वन मिल जाएगा। सो बी वन वैक्टर कैन बी रिटन एज लेमडा विच इज 1/2 मल्टीप्लाई ए वैक्टर क्या बन गया, 3i cap - j cap। सो दिस इज कॉल 3/2i cap - 1/2 j cap। मिल गया बी वन वैक्टर। हाउ टू गेट बी टू, वी कैन से द बी टू वैक्टर इज कॉल बी वैक्टर माइनस बी वन वैक्टर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी टू वैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, और यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे तो इसी से मिलता जुलता कई क्वेश्चन आपको मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्केलर प्रोडक्ट में और क्या क्या मिल सकता है आगे देखिए। अब मेरे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें एक ऐसा वेक्टर पता करना है, एक ऐसा वेक्टर पता करना है जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 21 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। सो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर गिवन, वी हैव टू फाइंड अ डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड इट्स डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इज 21। सो लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मान लिया ना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि डी वेक्टर ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ओके। और क्या दिया हुआ है, डी वेक्टर बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, ओके। और तीसरा क्या दिया गया है कि डी वेक्टर सी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 21 है। सो डी डॉट ए लिखते हैं, पहले डी और ए का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये बनेगा 4x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा डी और बी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक्स माइनस 4y एंड प्लस 5z इज इक्वल टू जीरो, ओके। डी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनता है, 3x प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 21। यहां तक ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन थ्री वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन बन गया। डू हैव एनी आइडिया टू हाउ टू सॉल्व द थ्री इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल के तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए जिससे कि एक्स वाई एंड जेड की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया है मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि मैट्रिक्स में हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि यदि आप इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हो तो बहुत ईजिली एक्स वाई जेड मिल जाएगा। कैसे, तो यदि मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँ तो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था इस टॉपिक को कि इसको मैं 4 5 - 1 1 - 4 5 3 1 - 1 लिख सकता हूँ एंड मल्टीप्लाई द अनदर मैट्रिक्स इज एक्स वाई जेड
एंड द राइट हैंड साइड वी गॉट द मैट्रिक्स 0, 0, 21। यदि किसी को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना नहीं आता है तो आप इसी सीरीज में मैट्रिक्स का वीडियो को देखिए, उससे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह के 3 वेरिएबल के 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए जिससे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो आप उसको रेफर करिए और एक्स वाई जेड की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करिए और वैल्यू फाइंड करने के बाद आप डी वेक्टर में उसको पुट कर दीजिए, दैट विल बी द फाइनल आंसर। इससे मिलता जुलता बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में और एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, वैल्यूज केवल अलग होगी, आइडिया सेम होगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के मोस्टली क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बाकी रह गए, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें पूछा गया है कि ए एंड बी के बीच का एंगल पता करो। सुनो, अब मेरे पास क्वेश्चन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। देखो, यदि हमसे इस क्वेश्चन में बी एंड सी के बीच का एंगल पूछा जाता तो मैं बी एंड सी को लेफ्ट साइड में रखता। यदि मुझसे ए एंड सी के बीच का एंगल पूछा जाता तो मैं ए एंड सी को एक साथ रखता। जबकि इसमें मुझसे पूछा गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो मैं ए एंड बी दोनों को एक साथ रखूंगा और सी वेक्टर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे ए एंड बी के बीच का एंगल चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, कि आप अरेंज करिए टर्म्स को। मैंने टर्म्स को अरेंज किया, मैंने क्या किया, मैंने ए एंड बी को एक साथ लिया और अब चूंकि मैग्नीट्यूड्स की बात की गई है सो अब इस क्वेश्चन में मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकता हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो मैं इसको यदि लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 square एंड प्लस 5 square प्लस 2। व्हाट डू मीन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है, अब सिर्फ एक ही अननोन टर्म रह गया है, वो है कॉस थीटा और वही हमें फाइंड करना है। तो करते हैं ये देखिए 9 + 25 + 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। सो देन 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 - 34, सो वी कैन से 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 15, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/31/2, देन थीटा इज इक्वल टू 60 degree। सो वी गॉट द आंसर, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 60 degree। और थीटा क्या है, यहाँ पे ए डॉट बी से मिला था ना, इसलिए ए एंड बी के बीच का एंगल है। सो वी गॉट द फाइनल आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे पास है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के देखिए आप। लिखा हुआ है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। व्हाट डज इट मींस, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन का मतलब है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर 3 इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। आपस में परपेंडिकुलर का मतलब कि इन सभी का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 होगा, आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब मैं कह सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, मैं कह सकता हूं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0 है, और मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी क्या है, 0, क्योंकि इन सभी का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो सब 0 है, राइट। ये फर्स्ट लाइन का मतलब था, फर्स्ट लाइन से हमने इतनी चीजें फाइंड आउट की है। आगे पढ़ो, प्रूव दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल इनक्लाइंड विद ए बी एंड सी। ओके, सुनो, मतलब क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का एंगल पता करना है ए वेक्टर के साथ, इसका एंगल पता करना है बी वेक्टर के साथ, और इसका एंगल पता करना है सी वेक्टर के साथ। इस दोनों के बीच के एंगल को थीटा 1 मान लो, इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा 2 मान लो, और इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा 3 मान लो। समझ रहे बात को, तो समझे, सम ऑफ थ्री वेक्टर
का ए वेक्टर साथ एंगल थीटा वन है, सम ऑफ थ्री वेक्टर का बी वेक्टर साथ एंगल थीटा टू है, एंड सम ऑफ थ्री वेक्टर का सी वेक्टर साथ जो एंगल है वो थीटा थ्री है। तो यही तीनों को इक्वल प्रूफ करना है, आसान है। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कॉस थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर। यहां पे एक चैलेंजिंग पार्ट है कि मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग, नहीं भी करें तो भी काम हो जाएगा। सुनो, सबसे पहले यदि मैं थीटा वन फाइंड करने जाता हूं तो मैं लिखता हूं कॉस थीटा वन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इन तीनों के मैग्नीट्यूड को ना लेमडा मान लो, इन तीनों के मैग्नीट्यूड को लेमडा मान लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो, सारे ब्रैकेट हमने हटा दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया लेमडा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये कॉस थीटा वन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली कॉस थीटा टू एंड कॉस थीटा थ्री की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, यदि इक्वल है तो प्रूफ हो गया। सो हाउ टू फाइंड कॉस थीटा टू, देखिए कॉस थीटा टू किन दोनों के बीच का एंगल है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया लैम्डा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और सिमिलरली वी कैन फाइंड कॉस थीटा थ्री, और यदि ये तीनों इक्वल आ गए तो वी कैन से कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, राइट। तो ये डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी टाइप के एप्लीकेशन थे मैंने आपको बताया, आप एक बार दोबारा रिकैप करिए, नोट्स बनाइए और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए सब सॉल्व कर सकते हो आप। अगला टॉपिक हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग पार्ट है। सुनो, यदि मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूं, जिस तरह से मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया, वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें एक डायरेक्शन भी होता है। यदि मैं कहता हूं कि हमारे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, सो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, बट अभी तक ये स्केलर है, मल्टीप्लाई डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है एन कैप, नॉर्मल, एन कैप मतलब क्या हो गया, नॉर्मल। सो हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यदि आपके पास कोई दो वेक्टर है और दोनों के बीच का कुछ एंगल बन रहा है और आपको उसका रिजल्टेंट पता करना है तो क्या होगा। ये हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, ये देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, देखो 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 ए वेक्टर बी वेक्टर, मुझे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ये वेक्टर है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर बी वेक्टर, ये जो है एन कैप है, एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज कॉल्ड दिस वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा मल्टीप्लाई एन कैप, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। बट यदि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्योंकि एन कैप एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसा यूज कर सकते हो।
राइट। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट था। अब क्रॉस प्रोडक्ट में भी आप देख रहे हो कि साइन थीटा मिल रहा है। यदि आप एक वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री है एंड साइन जीरो डिग्री क्या होता है, जीरो। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद द सेम वेक्टर इट विल बिकम जीरो वेक्टर। एंड व्हेन वी आर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इन विच बोथ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर वी कैन से दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एन कैप। क्योंकि इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। कब होगा ये, कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका कुछ खास एप्लीकेशन नहीं, जो मैंने फॉर्मूला नंबर वन यहां पे लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम अप्लाई करेंगे। व्हेन वी आर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर जीरो, मतलब दोनों सेम वेक्टर है या दोनों नेगेटिव है या दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इन सभी केसेस में ये जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे जैसे यदि मैं कहता हूं आई कैप क्रॉस आई कैप, क्या होगा जी, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री है। ओके, यदि मैं कहता हूं जे कैप क्रॉस जे कैप, क्या होगा, जीरो। यदि मैं कहता हूं के कैप क्रॉस के कैप, क्या हो गए, जीरो। बट यदि मैं कहता हूं आई कैप क्रॉस जे कैप तो ये हो जाएगा के कैप, क्योंकि आई कैप एंड जे कैप एक्स एंड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड एक्सिस इन दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। यदि मैं कहता हूं जे कैप क्रॉस के कैप तो ये बन जाता है आई कैप, यदि मैं कहता हूं के कैप क्रॉस आई कैप तो ये बन जाता है जे कैप, है कि नहीं। और यदि इसको उल्टा कर दें तो निगेटिव हो जाएगा। यदि मैं उल्टा करता हूं जे कैप क्रॉस आई कैप तो ये बन जाएगा माइनस के कैप, यदि मैं करता हूं के कैप क्रॉस जे कैप तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आई कैप, यदि मैं करता हूं आई कैप क्रॉस के कैप तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जे कैप, उल्टा हो जाएगा। मतलब यदि हम ऐसा इसको रिप्रेजेंट करें, यदि आई कैप जे कैप के कैप यदि सेम ऑर्डर में हुआ, आई जे जेके के आई, आई जे जेके के आई तो ये पॉजिटिव हुआ, उल्टा के जे जे आई और आई के तब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन, यदि आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट एंड सिंपल आइडिया क्या है कि आप उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अरेंज कर लो। जैसे मैं ऐसा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप एन प्लस ए टू जे कैप एन प्लस ए थ्री के कैप, और हमारे पास जो बी वेक्टर है दिस इज कॉल्ड बी वन आई कैप एन प्लस बी टू जे कैप एन प्लस बी थ्री के कैप। यदि आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हो तो आपको इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इसको एक डिटर्मिनेंट में अरेंज करके उस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा, यू विल गेट द आंसर। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको इस तरह से अरेंज करोगे, फर्स्ट रो इज कॉल्ड आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो इज कॉल्ड फर्स्ट वेक्टर ए वन ए टू एंड ए थ्री, एंड थर्ड रो इज कॉल्ड सेकेंड वेक्टर बी वन बी टू एंड बी थ्री। इस तरह से आप किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन एरिया फाइंड करने में होता है, जो मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर दिया गया है और उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पता करो। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड करेंगे। तो व्हेन वी आर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, फर्स्ट वी नीड टू अरेंज द कंपोनेंट इन द डिटर्मिनेंट। इस तरह से अरेंज करो, टू जीरो वन, टू आई कैप प्लस के कैप को हमने लिखा है टू आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस वन के कैप। ओके, सेकेंड वेक्टर है वन आई कैप प्लस वन जे कैप प्लस वन के कैप। नाउ इफ वी आर एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, यदि मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूं तो क्या बनेगा, सुनिए। आई कैप के साथ जो कॉफिशियंट आएगा वो जीरो माइनस वन,
जीरो माइनस वन, वी कैन से माइनस आई कैप. ओके, जे कैप के साथ क्या आएगा, टू माइनस वन माइनस जे कैप, और के कैप के साथ आएगा टू माइनस जीरो प्लस टू के कैप. मुझे उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता होगा. नहीं आता है तो क्लास ट्वेल्थ में ही आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिटर्मिनेंट. वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, आप उसको देख सकते हो. ठीक है जी, सो वी गॉट द क्रॉस प्रोडक्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. यू नो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर एंड प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर एंड प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर. इट कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ 6. दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, राइट. तो आपने देखा हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट. एक और क्वेश्चन मेरे पास है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था. सुनिए, मेरे पास क्वेश्चन है आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप एंड प्लस जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आई कैप एंड प्लस के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप. यदि मैं इन सारे ब्रैकेट्स को हटा देता हूं तो इसमें देखो क्या क्या ग्रुप बन जाएगा. आई कैप क्रॉस जे कैप सबसे पहला बना, प्लस आई कैप क्रॉस के कैप, ओके, प्लस जे कैप क्रॉस के कैप, प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप, प्लस के कैप क्रॉस आई कैप. सारे ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूं एंड प्लस के कैप क्रॉस जे कैप. अब आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप. मैंने कहा आई जे के के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, और के जे आई के डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव. ओके, सो आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो गया, माइनस जे कैप. जे के कितना हो जाएगा, प्लस आई कैप. जे आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप. के आई क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप. और के जे क्या होगा, माइनस आई कैप. अब देखो आई कैप और माइनस आई कैप कैंसिल, जे कैप और माइनस जे कैप कैंसिल, और के कैप माइनस के कैप कैंसिल. द आंसर इज व्हाट, जीरो वेक्टर. आंसर जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा. मैंने कहा था दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का भी आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट. अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेन एप्लीकेशन है ना, वो एरिया फाइंड करने में है. The most important thing in the cross product is to find the area of triangle and parallelogram. बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं फॉर्मूला बताता हूँ फिर उसका एप्लीकेशन बताता हूँ. यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला है. फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है, यदि आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स दिया गया है. क्या दिया गया है, एडजेसेंट साइड. If adjacent sides of the parallelogram are given, so we have to find the area with the formula base into height. हमने ये formula बहुत basic perimeter and area वाले chapter में पढ़ा है कि area of parallelogram is base into height. यदि आप base into height को vector के form में convert करोगे, so we can say the area of this parallelogram will be, area of this parallelogram का जो formula मिलेगा वो मिलेगा magnitude of ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. मतलब कोई भी पैरेललोग्राम का यदि दो एडजेसेंट साइड दिया गया है, उन दोनों एडजेसेंट साइड के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, यू विल गेट द एरिया, राइट. बट इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड नहीं बल्कि पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया होता है. यदि हम फॉर्मूले को डायगोनल्स के फॉर्म में देखें तो फॉर्मूला अलग है. यदि किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड नहीं दिया गया है बल्कि दोनों डायगोनल्स का वेक्टर दिया गया है, डी वन वेक्टर एंड डी टू वेक्टर, तब इस केस में जो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बनता है, विच इज कॉल्ड 1/2 मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द डायगोनल्स. तो एडजेसेंट साइड दिया गया है तो सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड कर लो, और डायगोनल दिया गया है तो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है. और यदि ट्राइंगल की बात होगी तो आपको पता है ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम. यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है तो आपको देखना है कि इस ट्राइंगल में किसी भी एक पॉइंट को वर्टेक्स मान करके दो कोइनिशियल वेक्टर बनाओ,
और उन दोनों को इनिशियल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूँ। जैसे यदि मैंने ए को ओरिजिन मान लिया तो ए बी ए सी हो जाएगा, बी को मान लेंगे तो बी ए बी सी हो जाएगा, और सी के मान लेंगे तो सी ए सी भी हो जाएगा। यदि मैं पॉइंट ए को मान लिया तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला बनेगा वो हाफ मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर होगा। इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी ए क्रॉस बी सी, यदि आप बी से स्टार्ट करते हो, या इस बात को ऐसा भी लिख सकते हो इट इज सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर। कोई भी एक यूज करो, बेस्ट आइडिया है कि आप इसको यूज कर लो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड हाफ मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, राइट। सो हमारे पास ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिससे कि आप किसी पैरेललोग्राम या ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, राइट। अब इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एग्जांपल सुन लो। पहला एग्जांपल मैंने लिया है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड्स दिया गया है, ओके। तो एडजेसेंट साइड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, तो आप देखिए यहां पर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दिया गया है, और मैं यहां पर देख रहा हूं कि ए वेक्टर इज कॉल I कैप प्लस टू जे कैप एंड प्लस थ्री के कैप, B वेक्टर इज कॉल थ्री I कैप माइनस टू जे कैप एंड प्लस के कैप। मुझे इन इस पैरेललोग्राम का एरिया पता करना है जिसका एडजेसेंट साइड दिया गया है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि किस तरह से इसके आंसर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको A वेक्टर एंड B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ओके। करते हैं I कैप J कैप K कैप 1 2 3 एंड 3 -2 1, ठीक है, राइट। नाउ यदि आप A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के लिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हो तो ये मिलता है 2 और प्लस 6 8 I कैप एंड J कैप के लिए मैं लिखता हूँ 1 और -9, तो -8 J कैप, और K कैप के लिए -2 और -6 -8 के कैप। सो यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8² + -8² एंड +-8² तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 8² विच इज कॉल 8√3। अब चूंकि एरिया है इसलिए इसको स्क्वायर यूनिट में लिखो। सो फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या बन गया 8√3 स्क्वायर यूनिट। यदि डायगनल्स दिया होता आइडिया सेम था, लॉजिक सेम था, डायगनल्स के का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड को हाफ से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता, क्या मिलता एरिया पैरेललोग्राम, कब, जब डायगनल दिया गया। आप प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को नोट कर लो और खुद से ट्राई करो। मान लो ये आपके पास D1 वेक्टर है और मान लो ये आपके पास D2 वेक्टर, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हिच डायगोनल्स आर गिवन, स्टेप्स क्या फॉलो करोगे मैं आपको बता देता हूं। पहले आप D1 एंड D2 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, फिर फाइनली इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। इन तीन स्टेप्स में आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ट्रायंगल का लेता हूं। यदि कोई क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी पता करना है, सो व्हाट वी कैन डू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ध्यान से देखना, ओ ए बी, ओ ए बी, यहां पे आपके पास है ओ ए वेक्टर, यहां पे आपके पास है ओ बी वेक्टर। अब ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया पता करना, हमने फॉर्मूला क्या बताया, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर। व्हाट वी कैन डू, सो सबसे पहले हमें ओ ए वेक्टर पता करना है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओ बी वेक्टर के साथ पता करना है, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप 3 2 -1 एंड 1 3 1, ठीक है। सो एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 2 और +3 ये हो जाएगा 5 आई कैप जे कैप को देखते हैं 3 और +1 -4 जे कैप एंड 3 3 9 -2 +7 के कैप। अब मैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर पता कर लेता हूं, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5² = 25 + 4² = 16 + 7² = 49, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
सिक्स प्लस फाइव एलेवन प्लस नाइन 22, 4 प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन प्लस टू नाइन रूट 90. सो देयर फोर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ रूट 90. रूट 90 को यदि आप और सिंप्लीफाई करो तो ये रूट 9 इंटू 10 आएगा ना, रूट 9 3 होता है, तो 3 रूट 10 फाइनली हो गया 3 बाई 2 रूट 10 स्क्वायर यूनिट. कैलकुलेशन आप खुद से करो ना, कैलकुलेशन में क्या रखा है समझ में आ गया क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का आइडिया क्या है. ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड लग्रांजेज आइडेंटिटी. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को जो आपस में रिलेट किया जाता है उस आइडेंटिटी को हम लग्रांजेज आइडेंटिटी कहते हैं. राइट, सुनो अब लग्रांजेज आइडेंटिटी क्या है. मैं यदि फॉर्मूले से देखना चाहूँ तो हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई कॉस थीटा. और यदि मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देखना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. मुझे इन दोनों इक्वेशन में कुछ ऐसा टर्म चाहिए जो इन दोनों को आपस में रिलेट कर सके, और वो टर्म है ट्रिग्नोमेट्री. ये हमने फॉर्मूला लिखा है, देखो ना फॉर्मूला लिखा है हमने किसका, डॉट प्रोडक्ट का एंड क्रॉस प्रोडक्ट का. इन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री का एक टर्म आ रहा है कॉस थीटा एंड साइन थीटा. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉस थीटा एंड साइन थीटा. वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन. वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. तो मैं क्यों नहीं दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करके ऐड कर देता हूं, मुझे एक आइडेंटिटी अपने आप मिल जाएगी. यदि मैं इक्वेशन वन स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू स्क्वायर करता हूं, देखो क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन. सो द फाइनल आंसर इज दिस ओनली. सो दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड लग्रांजेज आइडेंटिटी, जिसको हम उन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जिसमें डॉट प्रोडक्ट दिया गया है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, या क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है. एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं. यदि मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अब देख रहे हो इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है जबकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया गया है. सो वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर एंड प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 रूट 26 स्क्वायर 26 एंड 49. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो आंसर मिल जाएगा. ये था ना क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कर लो. अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल जाएगा. तो आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम थे हमने किए, हमने पूरे चैप्टर पूरे वेक्टर चैप्टर में जो भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं. एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास रह गया है, वो ये है, कई बार क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है कि एक ऐसा वेक्टर पता करो जो किसी दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर है. तो क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया भी यही था. व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द वेक्टर. तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि अ वेक्टर, ध्यान से सुनना, अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, सो दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. पढ़ो इस क्वेश्चन को, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर. ओके, तो इस वेक्टर को तुम ए वेक्टर मान लो और इस वेक्टर को बी वेक्टर मान लो. मुझे इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करना है. तो पहले मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा. ओके, तो मैं पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता करूंगा. फिर ये जो वेक्टर मिलेगा इसको एक काम करते हैं पी वेक्टर मान लेते हैं, और फिर इस पी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर पता करना पड़ेगा. दैट विल बी द आंसर. तो मैं पहले करता हूं आई कैप J कैप K कैप 4 टू 1
वन फोर माइनस वन। तो आप देखिए ये बन गया माइनस टू माइनस फोर, माइनस टू माइनस फोर इज कॉल माइनस सिक्स आई कैप, और माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव, तो ये प्लस फाइव जे कैप, एंड सिक्सटीन माइनस टू इज कॉल प्लस फोर्टीन के कैप। ठीक है, मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। यूनिट वेक्टर मतलब आपको पी वेक्टर मिला, आप पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, पी कैप मिल जाएगा। पी कैप इज कॉल पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, दैट विल बी द आंसर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच था, ये उन सभी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे जिस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखा होगा कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, राइट। तो वेक्टर के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने बहुत डिटेल में किया है। अब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक से वेक्टर के चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी कर सकते हो। यदि आपको कोई चैलेंजेस आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस सोल्यूशन को सर्च करिए, आपको प्ले लिस्ट में या सर्च में कहीं ना कहीं मिल जाएगा उसका सोल्यूशन। नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये जरूर बताइए कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया कि नहीं, ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतने अच्छे वीडियोज आपको आगे ही मिलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को यदि और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर इसी चैप्टर को टॉपिक वाइज और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है और उसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा।